उस सपने को झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने उस सपने को पानी फेरने का काम किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री आलमगीर के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है, उसके नौकरों के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है, कांग्रेस के सांसद के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है। क्या ये पैसा कांग्रेस का था? क्या ये पैसा झारखंड मुक्ति मोर्चा का था क्या? और क्या ये पैसा आरजेडी का था क्या? जा कहीं भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार है, वहां पर घुसपैठिए के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। अगर किसी ने घुसपैठ की, किसी ने बेटी की इज्जत में हाथ डालने का कार्य किया, किसी ने गौ हत्या किया, तो मान करके चलिए कि यमराज के घर के लिए उसका टिकट पक्का। देश तब गुलाम हुआ था जब हिंदू बटा था। बहन और भाइयों, अब बटना नहीं है। बटे थे। सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब सन 2000 में 15 नवंबर की तिथि को झारखंड निर्माण की तिथि घोषित करते हुए संसद में घोषणा की थी, तब मैं सांसद था और तब ये मुद्दा आता था झारखंड का निर्माण और झारखंड का भविष्य कैसे होना चाहिए, इसके लिए हमें कार्य करना होगा। और बहन और भाइयों, मुझे ये कहते हुए कि जो सपना अटल जी ने देखा था उस सपने को झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने उस सपने को पानी फेरने का काम किया है। प्राकृतिक रूप से धनी झारखंड भौतिक विकास में पिछड़ गया, प्राकृतिक रूप से संसाधनों का भरपूर, लेकिन यहां का व्यक्ति गरीब का गरीब रह गया। कारण है, उसे शासन की योजना से वंचित किया गया, विकास से वंचित किया गया। यहां पर नागरिक, यहां का जनता जनार्दन गरीब है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री आलमगीर के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है, उसके नौकरों के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है, कांग्रेस के सांसद के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है। बहन और भाइयों, क्या ये पैसा कांग्रेस का था क्या? क्या ये पैसा झारखंड मुक्ति मोर्चा का था क्या? और क्या ये पैसा आरजेडी का था क्या? ये पैसा मोदी जी के द्वारा झारखंड के विकास के लिए भेजा गया पैसा था। ये पैसा झारखंड की जनता के विकास के लिए भेजा गया पैसा था, जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं ने डकैती डालने का काम किया है। और इसीलिए झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार आवश्यक है, यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए। बहन और भाइयों, मुझे बताया गया कि राजमहल, साहबगंज और उसके आसपास के क्षेत्र को बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों के अनैतिक और अवैध गतिविधियों का एक गढ़ बनाने का काम हो रहा है। याद करना, जा कहीं भी
भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार है, वहां पर घुसपैठिए के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। यहां पर जो लोग धक्का दे रहे, थोड़ा थोड़ा पीछे की तरफ जलता, एक एक कदम थोड़ा पीछे चल देते तो आगे कुछ बच्चे और महिलाएं बैठी हुई है, उनको सुरक्षित बैठ जाएंगे। सब लोग आराम से बैठे, हम लोग आराम से बोलने के लिए आए हैं। थोड़ा थोड़ा पीछे, एक एक कदम पीछे मैं हम लोग करूंगा, जो पीछे है और एक एक कदम थोड़ा पीछे किसी तरफ चले जाएंगे तो आगे जो बच्चे बैठे हुए हैं आराम से वे भी सुनेंगे, आप भी सुनेंगे। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, एक ही बात कहने के लिए आया हूं और बात कहने के लिए आया हूं। जैसे यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार होने के कारण उत्तर प्रदेश में न घुसपैठिए हैं, न कोई गौ हत्या करने का दुस्साहस कर सकता है, न कोई किसी बेटी के साथ बेटी की इज्जत पर हाथ डालने का दुस्साहस कर सकता है। और अगर किसी ने घुसपैठ की, किसी ने बेटी की इज्जत में हाथ डालने का कार्य किया, किसी ने गौ हत्या किया, तो मान करके चलिए कि यमराज के घर के लिए उसका टिकट पक्का। यह काम केवल भाजपा करेगी, यह काम भाजपा गठबंधन ही कर सकता है, यह काम झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस नहीं कर सकती है। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, मोदी जी ने तो एक बात आपसे कही और वह कही उन्होंने कि झारखंड में जैसे ही 23 नवंबर को अब तक जो रिजल्ट आएगा, पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है, पहले चरण का चुनाव 43 सीटों पर संपन्न हो चुका है और बाकी 38 सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, अब तक के रुझान बताते हैं, अब तक के रुझान बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए यहां पर 2/3 से अधिक सीटों पर विजयी बन करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार का मतलब 23 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगा और दोपहर में घोषणा होगी कि झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार बन रही है, तो बहनों और भाइयों, उसके बाद आप मान करके चलिए, आराम से भैया, आराम से, आराम से, धक्का मुक्की नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा एक एक कदम पीछे चले जाइए, एक एक कदम पीछे। मैं जानता हूं आपका उत्साह है, लेकिन चुनाव तक हमें जोश के साथ साथ होश भी बनाए रखना है। देखो आगे दिव्यांगजन बैठे हुए हैं, बेटियां बैठी हुई है, महिलाएं बैठी हुई है, और इसीलिए उत्साह भी होना चाहिए, लेकिन जोश के साथ साथ होश भी होना चाहिए। नहीं तो ये घुसपैठिए कहीं भी सेंधमारी करने का काम